दोस्तों, तो आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे। मैं पहले आपको प्ले करके दिखाऊंगा। दोनों हाथों से एक साथ करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन उससे इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में, पहले मैं प्ले करके बताऊँगा। ये हम मेट्रोनॉम के साथ करेंगे। मेट्रोनॉम आपको पता होगा, एक क्लिक जो प्ले होता है। पहले मैं बिना मेट्रोनॉम के कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा मेट्रोनॉम के साथ। पहले आप देख लो कि प्ले क्या करना है, ठीक है। पहले मैं शुरू करता हूँ आपको बताना। सी मेजर स्केल होता है, सबको पता है। ये लेफ्ट हैंड था, ये राइट हैंड। पहले एक साथ प्ले करेंगे, ठीक है। अब आएगा सी ई जी ई। आपको नोट्स पता होंगे तो फिर आप आराम से पता कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। सी ई जी ई। ला 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 ला, यहाँ पे भी सेम सी ई जी ई। ये देखो, तो वो क्या रहा, पहले मेजर स्केल प्ले करा दोनों हाथों से एक साथ, फिर सी ई जी, ठीक है। देखो, ठीक है, अब यहाँ पे हमने ई पे स्टॉप करा। अब हम जो सी मेजर प्ले कर रहे थे, डी से प्ले करेंगे। हम डी मेजर नहीं प्ले कर रहे हैं, सिर्फ वाइट नोट्स प्ले होंगे। अभी चलेगा कैसे, सी मेजर की तरह चलेगा। देखो, अब हो जाएगा डी एफ ए एफ। राइट हैंड में जो फिंगर यूज कर रहा हूं मैं, 1 3 और 5, 1 1st 3rd और 5th। और जो लेफ्ट हैंड में यूज कर रहा हूं मैं, 5 3 1 5 3 1, ठीक है। मैं वीडियो में भी मेंशन कर दूंगा फिंगर। राइट में 1 3 5, लेफ्ट में 5 3 1। तो करना क्या है, देखो, हर नोट पे प्ले होगा। पहले सी से स्टार्ट करेंगे, फिर डी, फिर ई एफ जी ए बी सी। जितना आपका मन करे वो आप कर सकते हो, जितना करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा। मैं मेट्रोनॉम के साथ बताता हूँ आपको कुछ करके। मैं पूरा आगे तक नहीं कर रहा, होगा ऐसी सेम पैटर्न चलेगा। अभी मैंने 120 पे करा था, जो मेट्रोनोम चल रहा था मेरा 120। हम तेज भी कर सकते हैं, धीरे भी कर सकते हैं। अगर आप सब आपसे हो जाए तो आप तेज कर सकते हो 120 के बाद 130 40 50, जितना आपका मन करे। अभी अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप सजेस्ट करूँगा मैं धीरे 100 पे कर लो, 100 पे। मेरे को 120 पे मैंने आसानी से कर लिया, तो मैंने इसलिए 120 प्ले करा है। बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी करो, ठीक है, क्योंकि स्पीड ज़रूरी नहीं है। हम शुरू में सबसे गलती यही होती है, शुरू में हम भागने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, तो गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना चाहिए किसी को। तो सी ई जी ई, देखो, 1 3 5 चलेगा, यहाँ चलेगा 5 3 1, फिंगर बता रहा हूँ 5 3 1। अब जैसे डी पे आया आप, तो 1 3 5 1 3 5, एक नोट छोड़ दो बीच का, 1 3 5, 2 और 4 छोड़ दो। ई पे आए, सिर्फ आपको आराम से विजिबल हो जाएगा अगर आपको नोट्स पता होंगे तो। ई जी बी, 1 3 5 हो रहा है, लेफ्ट में भी 1 3 5, मतलब 5th फिंगर 3rd और 5th फिंगर, सेकंड और फोर्थ यूज नहीं हो रही, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, सेकंड और फोर्थ लेफ्ट हैंड में यूज नहीं हो रही है, राइट में भी सेकंड और फोर्थ फिंगर यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये प्ले इसी तरीके से होगा, अब मेट्रोनॉम के साथ करना है। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप सोच रहे हो कि हम ये प्ले क्या कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा यही है कि हमारे को दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन अच्छा करना है, ताकि हम आगे जाके एक अच्छे लेवल का प्ले कर पाएं। जब हम सॉन्ग्स प्ले करें या कोई भी म्यूज़िक या कुछ भी चीज़ प्ले करें, तो हमारे हैंड्स अटकते ही नहीं, क्योंकि मेरे भी जिस टाइप के कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि उनके हाथ जो अटक रहे हैं,
काफी प्रैक्टिस के करने के बाद भी अटकते हैं, तो ये सब चीजें था कि आप फ्री होके बजाओ। इसमें क्या दो एक्सरसाइज मैंने जोड़ दी, पहले मेजर स्केल फिर ये 1/3 वाला, ये मैंने अलग से भी बता रखा है आपको। अलग से बना रखा है मैंने, बहुत पहले बनाया था इसके लिए। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया, अभी मैं और सारे लेसन बनाऊंगा वो मैं मिक्स करके बनाऊंगा। एक एक्सरसाइज जिसमें तीन एक्सरसाइज मिक्स हो जाएंगी, एक ही एक्सरसाइज होगी लेकिन तीन एक्सरसाइज मिक्स होकर प्ले होगा, ये दो प्ले हो रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपका धीरे धीरे इंप्रूव होगा, जरूर होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो खैर यही था दोस्तों आज के लिए, बाकी मैं अपने लेसन अपलोड करता रहता हूँ। आप अपने टॉपिक्स जो भी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे सबके मैसेज पढ़ लेता हूँ, आसानी से रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो बाकी मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में।